उतर के आए और एक ऊंट वाले को रोका, रोको रोको, मैं इतनी देर से कह रहा हूं रोको भाई, मेरे मैं ब्रह्मा हूं, मुझे जाने दीजिए, और तुम इतनी देर से ऊंट पे लेके जा रहे हो, ये ऊंट पे क्या जा रहा है? वो व्यक्ति बोला ये सब ब्रह्मा है, भगवान ने अभी अभी नए नए लोक बनाए, ये सब जगह के ब्रह्मा है, ये वहां जाने हैं, उनकी पोस्टिंग होनी है। तो ब्रह्मा को लगा के मैं अकेला नहीं हूं, यहां बहुत ब्रह्मा है, आपको नहीं समझा जा सकता। तो जैसे कोई गांव का डॉक्टर, कोई शहर का प्रसिद्ध डॉक्टर ये भ्रम करने लग जाता है कि मुझसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। अरे भैया तुझ जैसे लाखों करोड़ों डॉक्टर पड़े हैं, यहां नहीं होंगे, अगले शहर में नहीं होंगे, अगले शहर में नहीं हो तो उससे अगले और कहीं और हो। ऐसे किसी विद्वान को भ्रम हो जाता है कि मुझसे बड़ा विद्वान कोई नहीं है, किसी वक्ता को ऐसा भ्रम हो जाता है कि मुझसे बड़ा वक्ता कोई नहीं है। लेकिन ये जितना बड़ा भ्रम है उतना ही बड़ा ये असत्य भी है, क्योंकि जब ब्रह्मा को नहीं पता, हम सब अपना परिचय खोज रहे हैं कि कोई अपनी विद्वता के कारण अपना परिचय बनाना चाहता है, कोई अपने अधिकार के कारण अपना परिचय बनाना चाहता है, परिचय, लेकिन असल में कोई परिचय नहीं है। ये नाम तो हमारे माता पिता ने रख दिया था, मृत्यु के बाद कहां जाओगे आपको नहीं पता है, और यहां से पहले कहां थे आपको नहीं पता है। अब आप कहोगे मृत्यु के बाद हमें क्या पता कहां जाएंगे, हमें क्या मतलब उससे, तो मतलब नहीं है, तो मतलब बनाइए, क्योंकि वो आपकी अपनी यात्रा है। आप यदि अपनी यात्रा को नहीं जानते, आप अपने टूर प्लान को नहीं जानते हैं, तो आप उसमें आनंद भी नहीं ले पाएंगे, आपका सारा टूर खराब हो जाएगा, व्यथित दुखी परेशान हो जाओगे। तो ये जो मोह है हमारा कि मेरी नेम प्लेट, मेरा विकास, मेरा ज्ञान, मेरा रूप, मेरी रचना, मेरा चुबुक चितवन, मेरे गोत्र, मेरी परंपराएं, मेरी पहचान, ये जो सब कुछ है ये एक भ्रम है। असल में तो हमें पता नहीं कि हम कौन है, क्योंकि ब्रह्मा को नहीं पता। और आप जब अपने अंतःकरण में चिंतन करेंगे तो आपको नहीं पता आपके पिताजी कहां चले गए, और पिताजी हैं तो बाबा कहां चले गए, आप उनका नाम लिए आज तक घूम रहे, क्योंकि वो सिर्फ नाम आपने रखा है, उसके यहां कोई गिनती नहीं है। ये भगवान का जो जन्म हुआ है केवल यहां के आतताई असुरों को नष्ट करने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि वो देवगण जिन्हें अहंकार हो गया था। आप ऐसा मत सोचना कि अहंकार केवल यहां धरती के लोगों को होता है, ना, आप अपने लेवल का अहंकार करते होंगे, पर बड़े बड़े अहंकारी तो वहां भी बैठे हैं। इंद्र को बड़ा अहंकार है कि मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं है, यम वरुण कुबेर मेरे अधीन है, मैं जितना चाहूं उतना बारिश कर सकता हूं, मैं जहां चाहूं वायु को रोक सकता हूं, मैं धरती अंबर जल वायु तेज का अकेला भोगता हूं, ये मेरे नियंत्रण में है, मैं तारा मंडल का अकेला देखने वाला हूं, निहारिकाओं का दर्शन मैं सिर्फ मैं कर सकता हूं, क्योंकि ये सारी चीजें मेरे नियंत्रण में है। लेकिन भगवान ने कहा कि तू कुछ नहीं कर सकता, जिस रोज तेरा साथ मैं छोड़ दूंगा। आप कितने बलवान हैं, कितने शक्तिशाली हैं, कितने हष्टपुष्ट हैं, कितने ज्ञानी हैं, कितने विद्वान हैं, और भैया एक सांस निकल जाए आपके अंदर से तो फिर क्या हो गया ना बेकार सब मेहनत। वो कहते थे कि हम किला तोड़ देंगे, समुन्द्र की लहरों का रुख मोड़ देंगे, वक्त ने कहा तुम कुछ ना कर सकोगे, जिस वक्त तेरा साथ हम छोड़ देंगे। भगवान ने कहा उनकी पूजा करेंगे, सारे ब्रजवासी मान गए कि आज गोवर्धन की पूजा होगी। नारायण ने कहा कि आप उसे क्यों पूज रहे हो जो भय से आपकी पूजा कराता है, आप उसे पूजो जो प्रेम से आपको सब कुछ देता है, क्योंकि ब्रजवासियों के पास कृष्ण इसलिए आ गए थे
कि वो सहज थे, विनम्र थे, कोई ज्ञान ध्यान नहीं था, उनकी कोई रचना नहीं थी, उनकी कोई विद्वता नहीं थी, कोई उनमें श्रेष्ठ गुण नहीं था, कोई उनमें महनीय ऋषि, कोई शीलत ध्वज कुशलत ध्वज जैसे विद्वान, कोई तीर्थांकर थोड़े ही रहते थे ब्रज में। वो तो बड़े सहज लड़ुआ पूरी खाने वाले, गऊओं की सेवा करने वाले ब्रजवासी थे, लेकिन उनको अहंकार नहीं था। इसी पे मोहित होकर भगवान अपने राजपाट को छोड़ के, जो तीनों लोकों के स्वामित्व होने का गौरव है, उसे त्याग कर प्रेम बस वहां आ गए। इंद्र को जब पता चला गोवर्धन की पूजा होगी, मेरी पूजा नहीं करेंगे, असंख्य मेघ श्रृंखलाओं को आदेश दे दिया कि तू बरस पड़, पूरे ब्रज को बहा दे। बड़ा भारी तूफान आया, चारों तरफ ये घोषणा कर दी कि अब ब्रज में कोई बच नहीं पाएगा। बड़ा भारी अहंकार फूट के वहां पे निकला और चारों तरफ ऐसी गड़गड़ाहटें हुई, गऊ पशु पक्षी सब बहने और उड़ने लग गए। उसी बीच में ब्रजवासी रोने लगे, चिल्लाने लगे, हे कृष्ण अब हमारा क्या होगा। भगवान ने अपनी कनिष्ठी पे पर्वत उठा लिया, बोले कि घबराने की कोई बात नहीं, आपका रखवाला मैं जिंदा हूं। भगवान ने ऐसा कहा और कनिष्ठी पे जैसे ही पर्वत धारण कर लिया, सारे ब्रजवासी दौड़े, गौएं दौड़ी और सब गोवर्धन के नीचे आ गए। भगवान ने 7 दिन तक पर्वत को उठा के रखा। इंद्र का कोप कम नहीं हुआ, नित्य बढ़ता जाता है। भगवान ने सुदर्शन चक्र को ऊपर लगा दिया जल सुखाने के लिए। अगस्त मुनि जल को पीने लग गए। शिव रुद्र कुंड पे बैठ के देख रहे थे कि कहीं मेरी आवश्यकता तो नहीं है। अब भगवान ने जब उठा रखा है पर्वत, उस समय भोले वाले ब्रजवासियों ने भी अपना दंड लगा रखा है। ये कथाएं बड़ी जानी पहचानी सी है, सरल, अनेक बार आपने सुन ली है। बार बार इन कथाओं को सुनने का क्या महत्व है भाई? हमने तो एक बार सुन ली थी, अब बार बार क्यों सुने? तो जब आप कहीं जा रहे होते हैं, घर में बैठे होते हैं, और जब आप दुखी होते हैं, तो आपको लगता है अरे वो वाले गाने मुझे प्रसन्नता दे देते हैं, वो गाने बजा देना जरा, या कोई पुस्तक मुझे बड़ा आनंद देती है, वो पुस्तक जरा पढ़ लूं, मैं रामायण को पढ़ लूं, कोई ग्रंथ को पढ़ लूं। या जब आप बहुत दुखी होते हैं तो मन करता है उससे मैं मिल लूं, उससे मिलने से मुझे बड़ा आनंद हो जाता है, बड़ा सुख मिल जाता है। ऐसी भगवान की कथाएं जब बार बार सुनते हैं तो भगवान के प्रति बार बार भाव उत्पन्न होता है और बार बार ये दृढ़ता आती है कि मेरे साथ मेरा नाथ है, मेरे ईश्वर मेरे साथ है। और जब ये भाव आ जाता है, जैसे ही भगवान के प्रति ये भाव आया, मेरी रक्षा करने वाले तो नारायण मेरे साथ हैं, तो फिर भय नहीं रहता। भगवान ने बस एक ही बार कहा सबसे कि थोरो थोरो देव सहारो, गिर न परे गिरवर भारो। जो अकेला सक्षम था पूरी सृष्टि को उठाने के लिए, उसने छोटा सा पर्वत भी उठाया तो उसका पूरा श्रेय अपने साथियों को बांट दिया। कहा कि सब दो, मैं अकेला नहीं उठा पाऊंगा। तो जो जैसा था सबने अपना बल लगाया, उठा वो रहे हैं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है।